यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। व्हाट इज द एवरेज फ्रिक्शन फोर्स व्हेन ए पर्सन हैज अ यूजुअल 1 किलोमीटर वॉक, है ना? मतलब तुम नॉर्मली चल रहे हो ना, चल रहे हो, इसको करने के कई तरीके ना। और ये एक मिसकॉन्सेप्शन भी गलत करता है ना कि जब हम चलते हैं, पहले तो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है जब हम चल रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और वो पीछे लग रहा है। गलत, जब हम चलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और वो आगे लगता है, कभी कभी आगे लगता है द वे वी वॉक, वो आगे भी लगता है पीछे भी लगता है ना। तुम्हें सोचना पड़ेगा तुम कैसे चलते हो। जब तुम चलते हो तो तुम कुछ देर अ सर्टेन टाइम, देखो इसको ऑब्जर्व करो, खुद चल के देखो ना, तुम ऑब्जर्व करोगे कुछ समय तुम फ्लोर को पीछे पुश करते हो और तुम्हारी बॉडी आगे बढ़ती है, फिर तुम अपना एक पैर उठा के आगे रखते हो और फिर तुम फ्लोर को आगे पुश कर रहे हो तो फ्लोर तुम्हें पीछे पुश कर रहा है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज होता है जब तुम चलते हो ना। तो एवरेज फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? जीरो हो जाएगा। एवरेज फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा जीरो रहेगा लॉन्ग वॉक में ना, अनलेस अंटिल तुम दौड़ रहे हो तो उस केस में तुम कंटिन्यूअसली पीछे पुश कर रहे हो, है ना? तो हाँ, फ्लोर को पीछे पुश कर रहे हो, फ्लोर तुमको आगे पुश कर रहा है जब तुम दौड़ रहे हो, है ना? उस केस में फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली आगे लगेगा जब तक तुम्हारी स्पीड बढ़ती जा रही है। अगर तुम दौड़ के रुक रहे हो तो तुम अपने पैरों से फ्लोर को आगे पुश कर रहे हो, फ्लोर तुमको पीछे पुश कर रहा है, तो उस केस में फिर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। पर जब हम नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, इट आगे लग रहा है पीछे लग रहा है, आगे लग रहा है पीछे लग रहा है, एंड इट इज स्टैटिक। तो एवरेज फोर्स हमारा जीरो है ना। इसको करने का एक तरीका और है ना, अगर तुम्हें वर्क पावर एनर्जी आता है तो अपन इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वर्क पावर एनर्जी नहीं, मोमेंटम है ना, इंपल्स वाला है ना, ठीक है? तो अपन ने पढ़ा था ना एवरेज फोर्स क्या होता है, जिन्होंने ये पढ़ा होगा, जो हमारा सेंटर ऑफ मास, कोलिजन और मोमेंटम वाला चैप्टर है, अगर तुमने इसको पढ़ा है तो एवरेज फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो सोच के देखो यार, अगर अपन वॉक कर रहे हैं तो जिस स्पीड से कर रहे थे बाद में भी उसी स्पीड से वॉक कर रहे हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, तो चेंज इन वेलोसिटी तुम्हारा जीरो है, तो एवरेज फोर्स जीरो आ गया। सो दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को देखने का दूसरा तरीका है ना। पर ही उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने मोमेंटम वगैरह पढ़ लिया, इंपल्स मोमेंटम वगैरह, है ना? ठीक है।